घर तैयार कर सकते हैं, विचुअल डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से टूल, किस तरह प्रोफेशनल लिहाज से आप उसको इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लीट घर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले घर तैयार करने के लिए आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग का होना लाजमी है, मतलब 2D का काम लाजमी तौर पर आपको करना होगा, उसके बाद ही आप उसकी 3D इंटीरियर या एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आर्किटेक्चर ड्राइंग तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट और रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर ऑटोकैड है। ऑटोकैड इस्तेमाल करते हुए आप 2D प्लान इजीली बना सकते हैं, किसी भी घर का नक्शा बना सकते हैं, किसी भी रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या हॉस्पिटलिटी हो, किसी भी कैटेगरी की बिल्डिंग हो, उसका ऑटोकैड में आप इजीली उसका प्लान तैयार कर सकते हैं। ऑटोकैड में सिर्फ 2D प्लान ही तैयार कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ 3D काम भी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का कोई रेंडर सॉफ्टवेयर नहीं बनाया गया, जिस तरह के 3ds Max, ब्लेंडर, माया जैसे सॉफ्टवेयर जो कि 3D के मेन सॉफ्टवेयर हैं, जहाँ पर इजीली आप 3D का काम कर सकते हैं और उनके साथ या तो ऑलरेडी उनके जो रेंडर सॉफ्टवेयर हैं वो अटैच होते हैं या अलग से आप लॉगिन करते हैं रियलिटी शो करवाने के लिए, रियल रेंडर शो करवाने के लिए। लाइक दिस बेसिकली ऑटोकैड को आर्किटेक्चर ड्राइंग तैयार करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। जिस तरह के आपके सामने ये शो हो रहा है कि किस तरह वर्किंग की गई है, कैसे कौन कौन सी लाइनें, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, इस सारे आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जो कि ट्यूटोरियल मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। इसी तरह ये फर्स्ट फ्लोर है, उसी तरह ये सेकंड फ्लोर है। अभी आप जस्ट इसको वॉच करें कि किस तरह काम किया जाता है, आर्किटेक्चर ड्राइंग किस तरह तैयार की जाती है। उसके बाद आपका डायमेंशन प्लान आता है, कैसे डायमेंशन प्लान तैयार किया जाता है ये आपके सामने है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, ठीक है। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ओवरऑल जितने भी आपके फ्लोर हैं उनके सारे डायमेंशन तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सेक्शन प्लान, सेक्शन प्लान कैसे तैयार किया जाता है, वॉल के सेक्शन, कटिंग सेक्शन कैसे शो करवानी होती है, और इसी तरह इंटरनल वॉल है, बाउंड्री वॉल है, एक्सटर्नल वॉल है, कॉलम है, बीम है, सो ऑन, सबकी सेक्शन दिखाया जाता है। और इन सब का सेक्शन ये आपको ये देखते हैं यहाँ पर मिलेगा। वॉल फाउंडेशन सेक्शन है ये, वॉल फाउंडेशन सेक्शन कैसे 9 इंच की वॉल होगी अगर, या 4.5 इंच की वॉल होगी तो कितना किस तरह, यानी कि उसके जो फाउंडेशन स्टेप्स हैं वो किस तरह तैयार किए जाते हैं, उनकी डिटेल, DPC हॉरिजॉन्टल DPC और वर्टिकल DPC में क्या क्या डिटेल हैं, ये सारा शो कैसे किया जाएगा, ये सारा मैं बनाना आपको सिखाऊंगा। फिर ये आपका एक जनरल शो करवाया जा रहा है कि जहाँ पर जब एक्सक्यूशन किया जाता है, एक्सक्यूशन करने के बाद फाउंडेशन का कहाँ तक उसका जो जिसको कहते हैं सब बेस, ठीक है, सब बेस का जो बॉटम लेवल है वो कहाँ तक जाता है। हाँ ये देखें, HSL क्या शो करवाता है, हार्ड सेटल लेवल क्या होता है, NSL क्या होता है, EGL क्या होता है, RL क्या होता है, FFL क्या होता है, तो ऑन सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा भी और सिखाऊंगा भी कि क्या क्या है और क्यों होता है, ठीक है। और ये आपके सामने है एक कॉलम है, कौन कौन से कॉलम है इनके सारे, ये C4 कॉलम है, नंबरिंग भी दी गई है, C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, C3 कॉलम है, सो ऑन। इनकी RCC सेक्शन ये देख सकते हैं, RCC में बताया गया कि कौन कौन से कितने साइज के रीबार जो हैं वो कैसे इस्तेमाल किए गए हैं और कितने लेवल पे इस्तेमाल किए गए हैं, कितने इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये सब कुछ आप सामने है। इस तरह आपका बीम आता है, अगर आपका ये RCC कर्व लिंटल है, RCC कर्व लिंटल मैं आपको दिखाऊँ, ये आपका RCC कर्व लिंटल है, ये RCC कर्व लिंटल ये शो करवाया गया है, जहाँ पर ये डिटेल में बताया गया कि इस यानी कि RCC कर्व लिंटल में री बार करिए, उर्दू में और इंग्लिश में री बार इस्तेमाल करते हैं, तो कितना जो री बार है वो और किस स्टेप में यानी कि कितने कितने फासले में उसको इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फिर आपका आता है ये CB कनोपी बीम है, ठीक है, ये STB क्या है, स्टैंडर्ड कंसील्ड बीम कौन सा होता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, और ये क्या कितने साइज के बैंड हैं, N9D क्या बैंड होते हैं, RND के कौन कौन से बैंड होते हैं, इतना सेक्शन है, और इसके अलावा ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये आता है RCC, RCC प्लान में आपको बताया जाएगा कि और यानी कि सीखने को मिलेगा कि किस तरह आप बना सकते हैं, कि बीम कैसे डालने हैं, कॉलम कैसे, कहाँ कहाँ पर कॉलम आएंगे, कौन कौन से कॉलम, किस साइज के कॉलम आएंगे। उसके अलावा आपका आता है एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, ये अगर
आप रोड पर खड़े हैं, रोड से आप अपने घर को देखना चाहते हैं, फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट व्यू जिसको कहते हैं, वो किस तरह देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यानी कि अपने जो बाउंड्री वॉल उसको हटा दें, उसके बाद आपका फ्रंट एलिवेशन कैसा होगा, इसी तरह राइट एलिवेशन कैसा होगा, इसी तरह रियर एलिवेशन कैसा होगा, और इस तरह लेफ्ट एलिवेशन कैसा होगा। उसके बाद आपका आता है डोर, डोर का साइज़ कितना होगा, मेन डोर है ये आप देख सकते हैं, कौन कौन से डोर हैं, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा, इसका साइज़ क्या है, सो ऑन, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आपका आता है यहाँ पर विंडो, विंडो का साइज़, कटिंग सेक्शन, सेक्शन और एलिवेशन ये आप देख सकते हैं, कौन कौन सा साइज़ है और कौन कौन कितनी डिग्री पे इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या इस्तेमाल किया गया, एल्यूमिनियम विंडो है या वुडन विंडो है, सो ऑन, या वुडन डोर है, कौन कौन सा मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, इसके से डिटेल है ये देख सकते हैं आप, जिसको कहते हैं स्केड्यूल ऑफ डोर एंड विंडो, जहाँ पर ये टेबल बनाया जाता है और डिस्क्रिप्शन शो की करवाई जाती है। ये इलेक्ट्रिक प्लान है, इलेक्ट्रिक प्लान में आप देख सकते हैं ये कैसे आपने इसको डिज़ाइन करना है, कहाँ पर ये सिंबल क्या है, ये सिंबल किस चीज़ को शो कर रहा है, ये वाला सिंबल किस चीज़ को शो कर रहा है, ये वाला सिंबल किस चीज़ को शो कर रहा है, सो ऑन। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल है, सिंबल में ये शो करवाया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, सो ऑन। फिर उसके बाद आपका आता है प्लम्बिंग एंड सैनिटरी प्लान, कैसे ये देख सकते हैं आप, रेड यानी कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर कौन कौन सा, ये देख सकते हैं आप, पाइप हॉट वाटर पाइपलाइन है, पाइप कोल्ड वाटर पाइपलाइन है, देख सकते हैं कितने डाय का पाइप है, कैसे शो करवाना है, कहाँ पर आपका गली ट्रैप आ रहा है और कहाँ पर आपका आ रहा है मैन होल आ रहा है, ठीक है, सो ऑन, मैन होल कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद सेफ्टी डैमेज जमा हो रहा है, सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और मैं बताऊंगा कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि एरो, ये स्लोप शो कर रहे हैं, वाटर अगर फ्लो करता है तो वह उसकी जो स्लोप है वो क्या शो कर रही है, यानी कि जो जितना भी पानी जो खड़ा होगा वो कहाँ पर ट्रैप पे जाएगा, ठीक है, जहाँ पर जाकर ड्रेनेज होगी उसकी इजीली, ठीक है। और इसके अलावा ये आप टॉप फ्लोर पे देख सकते हैं कि बारिश का पानी अगर आपका टॉप फ्लोर पे आता है तो उसके जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर, यानी कि ये स्लोप शो करवाई जा रही है कि वाटर फ्लो कहाँ से कहाँ पर जाएगा, ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर इकट्ठा होगा और उसके बाद ड्रेनेज होगी इस वाटर की। उसके अलावा आपको मैं बताऊँ कि ये जनरल नोट्स क्या हैं, प्रोजेक्ट नोट्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शन नोट्स क्या हैं, ये सारी डिटेल भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। ये ग्रिड लाइन क्या होती हैं, मेन कंस्ट्रक्शन करवाते हुए ये ग्रिड लाइन मेन रोल प्ले करती हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये तो नहीं, हाँ ये कटिंग सेक्शन, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं सेक्शन, मतलब ये कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं SB, कोई भी मैंने लेटर दे दिया इसको SB, ये कटिंग की गई है पूरे घर की, कहाँ से, अच्छा जब भी सेक्शन तैयार किया जाता है किसी भी घर का तो वहाँ से कट किया जाता है, जहाँ पर पूरी डिटेल दी जाए, कम से कम एक विंडो शो करवाई जाए उस सेक्शन में, ये जैसे आप देख सकते हैं विंडो शो की है, ये वॉल ये यहाँ पर आ गई 4.5 इंच की वॉल, यहाँ पर 9 इंच की वॉल भी आ गई, स्टेयर केस भी आ गए डिटेल में, उसके अलावा विंडो ये दो आपका डोर भी आ गया, ये आप देख सकते हैं डोर भी आ गया, उसके अलावा एक और विंडो आ गई, उसके बाद ये बाउंड्री वॉल भी आ गई, तो ये कटिंग सेक्शन थी, ये आप देख सकते हैं डिटेल में बताया गया कि अगर बंदा भी खड़ा हो, कितने हाइट का अगर बंदा खड़ा हो तो ये बात है असल में, ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो यहाँ पर आप जस्ट वॉच करें इसको, बंदा अगर खड़ा हुआ है स्टेयर पे तो उसका जो हेड रूम है वो कितना है, ये आप हेड रूम देख सकते हैं, उसके अलावा आपका टोटल हाइट रूम कितनी है, उस तरह नीचे कितनी हाइट है ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपको स्मॉल टेरेस देखने को मिल रहा है कि बेसिकली ये हर विंडो के यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे जितनी विंडो है उसके सामने ये बनाई गई है, डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि अगर कोई बाहर यानी कि टेरेस पे निकल कर बाहर का सीन देखना चाहे या फ्रेश एयर लेना चाहे तो इसके लिए यहाँ पर बंदा खड़ा हो सकता है और ये सीन देख सकता है, तो ये दिखाने का मकसद ये था कि इसका जो सेक्शन और प्लान और डिटेल RCC जो प्लान है वो यहाँ पर मैंशन किया गया है, तो सारा आपको दिखाने का मकसद ये है कि आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा किस तरह आप ये बनाना सीख सकते हैं और आप प्रोफेशनल वर्क करेंगे इंशाल्लाह।
ये सेप्टिक टैंक है, यहाँ पर इसकी डिटेल सेक्शन और इसका आपका सेप्टिक टैंक प्लान, सेप्टिक टैंक सेक्शन, उसकी डिटेल जो सारी शो की गई है। इस तरह की मैन होल है, मैन होल का टॉप प्लान, फिटिंग प्लान सेक्शन, मैन होल, और ये एक्स वाई कोई भी सिंबल दे दिया जा सकता है। ये आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये सबमिशन ड्राइंग, यहाँ पर सबमिशन ड्राइंग असल में अच्छा। उसके अलावा मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ लेआउट्स क्या होती हैं। लेआउट्स के जरिए से आप कैसे, यानी कि अपने वर्किंग किए गए ड्राइंग्स को कैसे आप पेज पर A4 साइज, A3 साइज पर प्रिंट करवा सकते हैं, प्लॉट करवा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लेआउट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, डिम, डिम 5, डिम 4, ये क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। ये आपको इलेक्ट्रिक प्लान है, इस सारी डिटेल ये आप देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है, असल में आप किसी भी लेआउट पे जाएं, लेआउट क्या है बेसिकली, यहाँ पर आपको मिल रहा है टाइटल ब्लॉक, यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम है, साइट लोकेशन है, इसके अलावा टाइटल है, ऑनर नेम, बिल्डिंग फ्लोर है, कौन सी फ्लोर है, बिल्डिंग कैटेगरी कौन सी है, ड्राइंग नंबर क्या है, स्केलिंग क्या है, और शीट नंबर क्या है, ये आने वाली वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं तो नहीं बता सकता। और प्रोजेक्ट नंबर क्या है, चेक किसने किया है, रिवीजन किसने किया है, टाइटल ब्लॉक मैं आपको प्रोफेशनल सिखाऊंगा, एट्रीब्यूशन उसमें इस्तेमाल की गई है, वो क्या चीज़ है, अभी थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट कर लगेगा, लेकिन जस्ट आप वॉच करें, जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी, एट्रीब्यूट आपको देख लें, ये आप देख सकते हैं हेडिंग की, लाइक मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर मोहम्मद उमर, ये मैंने टाइप किया, ये आपको देखने को मिलेगा, मोहम्मद उमर आ गया, देख सकते हैं आप, शॉर्ट मुझे लिखना पड़ेगा, m.उमर, ये आपको नाम, ये जस्ट मैंने यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर मैं टाइप नहीं कर रहा, जस्ट मैं एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए ये सब इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक ये कुछ मैंने थोड़ा डेमो आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पर लेआउट किस तरह, ये लेयर्स, लेयर्स कैसे इस्तेमाल करनी है, लेयर्स ये क्या है, ये बीम, कॉलम, डोर, विंडोज, वेंटिलेशन, वॉल, इसकी सारी कलिंग की गई है, ये मेन चीज़ है, ये यानी कि जब भी आर्किटेक्चर ड्राइंग तैयार की जाती है, इसके बगैर आप प्रोफेशनली वर्क नहीं कर सकते। ये क्या है, यहाँ पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी लाइन को थिक कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, किसी भी लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट है, लाइन टाइप है, और अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी व्यू को, ठीक है, नहीं करवाना चाहते अनचेक कर सकते हैं, और इसी तरह फ्रीज कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा ऑटोकैड में। मैं यानी कि ये नहीं है कि ऑटोकैड को सेपरेटली मैं आपको सिखाऊंगा, नहीं, मैं आपको यानी कि कोई भी हम एक प्रॉपर घर का नक्शा तैयार करेंगे, उसके साथ साथ ही आप सीख जाएंगे, ये नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि ये व्यू पोर्ट है, ये आपका आपका प्रॉपर्टी है, ये आपका टूल पैनल है, टूल यानी कि मेन्यू बार है, ये चीज़ें, ये नहीं, मैं आपको यानी कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुद सीख जाएंगे। ये थी सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग में क्या होता है, सबमिशन ड्राइंग में आपको डिटेल में बताना पड़ता है कि एरिया स्टेटमेंट क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट क्या है, विजिबल प्रपोज बिल्ट अप एरिया, ग्राउंड फ्लोर एरिया क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर के एरिया, ये क्या यानी कि ये क्या है, परसेंटेज क्या है, ये स्क्वेयर फीट क्या है, ये सारा शो क्यों किया जा रहा है, ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन शो करवाई जा रही है, उसके हिसाब से ये सारा डिटेल में तैयार किया जाता है। और सबमिशन ड्राइंग में बेसिकली पूरा एक व्यू तैयार किया जाता है, जहाँ पर आपका सेप्टिक टैंक, ठीक है, मतलब प्लम्बिंग का जो काम है ना, वो भी थोड़ा सा शो करवाया जाता है, और सेक्शन, सेक्शन जो मैंने अभी आपको रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, उसके अलावा एलिवेशन भी इसमें शो करवाया जाता है, ये एक ही पेज में प्लॉट करवाया जाता है, ठीक है, जिसको यानी कि सबमिशन ड्राइंग मजबूर करवाने के लिए ये तैयार की जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर अभी मैंने ऑटोकैड में जो दिखाया था, व्यू कोड में मैं जाता हूँ, यहाँ पर आपको यानी कि सही क्लियर शो नहीं हो रही होगी, ठीक है, ये चीज़ थी जो प्लॉट होने के बाद ये जो फाइनल लुक जो आपको पेज में मिलता है, ये इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, एसी का सिंबल है, इसी तरह है इंटरकॉम बेल जो है उसका सिंबल है, लाइट मेन गेट पिलर हैंगिंग लाइट है, क्लासिक सीलिंग लाइट है, फैन रेगुलेटर है, क्या क्या शो किया गया, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, लाइक मैं फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की बात करता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लेकिन इंशाल्लाह जब आप साथ साथ सीख जाएंगे तो आपको इजी लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ये लाइट्स हैं, सीलिंग लाइट हैं, ठीक है, ये कौन सी डेकोरेटिव लाइट हैं, ये
ये बड़े साइज वाली लाइट है, ये छोटे साइज वाली लाइट है, ये फैन का सिंबल है और ये फैन का सिंबल, ये फैन का सिंबल, ये लाइट्स हैं, ये वॉल लाइट है, और इसके अलावा फोन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंबल शो हो रहे हैं, ठीक है। रेगुलेटर है, ऑन ऑफ स्विच है और सॉकेट्स हैं यहाँ पर, रेगुलेटर फोन, ये सब कुछ यहाँ पर शो कराया गया। इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है टेक्स्ट हैं, ये मैं आपको जो फाइनल लुक होती है प्लॉट की, पेज जब प्रिंट करवाया जाता है उससे पहले ये सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब मैंने डिटेल में बताया था। ऑटो गाइड में तो हाँ, नाइट मोड, जैसे ना मैं नाइट मोड ऑन किया आपके सामने ये देखें किस तरह इसकी लुक होती है, ठीक है। मैं इसको नाइट मोड ऑफ करता हूँ, फिर ये डोर है, उसके अलावा ये विंडो है, विंडो का सेक्शन का प्लान और कटिंग सेक्शन और उसका फ्रंट एलिवेशन, ये स्टेयर कैसा आ गया, स्टेयर की इसकी डिटेल है, रीबार कैसे इस्तेमाल की गई है, कितने कितने फासले पे कौन कौन से साइज के रीबार इस्तेमाल की गई है, ये कनोपी है, कनोपी, कनोपी मेन आपको देखें ये कनोपी, ये आप देखते हैं कनोपी, मैं आपको ये वाली कनोपी आप देख रहे हैं, ये सारी कनोपी है, ये कनोपी आप देख रहे हैं, कार पोच की कनोपी है, ये वाली कनोपी है, ये सारी डिटेल मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, कनोपी के रीबार इस्तेमाल किए हैं, ये आप आरसी प्लान आ गया, तो ये जनरल मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया आरसीसी कॉलम एंड प्लान एंड सेक्शन, ये ड्राइंग है जहाँ पर बीम, आरसीसी बीम सेक्शन शो करवाया गया है, जो कि मैंने ऑटोकैड में भी डिटेल में बता दिया, जस्ट मैं आपको यहाँ पर फाइनल प्लॉट जो होता है फाइनल व्यू सॉफ्ट कॉपी में वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, ये आपका लेवल शो करवा रहा है, वहाँ पर आपको यानी कि ऑटोकैड में डिटेल को नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं बंदा अगर खड़ा हुआ है 5 फुट 9 इंच का, तो 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 10 इंच का, 5 फुट 9 इंच का, कौन 6 फुट का अगर बंदा है, उसका साइज क्या होगा, डोर का साइज क्या है, मेन डोर का साइज क्या है, तो इसके अलावा आपका ये आ गया, ठीक हो गया, यहाँ पर आपका हाँ एलिवेशन आ गया, ठीक, तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, ये आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, ओके सही, ये सेक्शन कटिंग सेक्शन है या ये सेक्शन ड्राइंग है, ये आप देख सकते हैं, सेक्शन प्लान है, सेक्शन प्लान का ये वॉल सेक्शन प्लान शो किया गया है, कैसे वॉल फाउंडेशन सेक्शन है, ठीक है। ये था थोड़ा सा जनरल टॉपिक में जाता हूँ, ये जनरल नोट्स है, प्रोजेक्ट नोट्स हैं, इंस्ट्रक्शन नोट्स है, तो ये सारा 2D का काम है, ये आप देख सकते हैं इसके एक फाइनल लुक, फाइनल प्लॉट सॉफ्ट कॉपी में, इसको हार्ड कॉपी में तैयार किया जाता है। अब मैं चलता हूँ 3D के ऊपर, ये आप देख रहे हैं यार ये किस तरह तैयार किया गया, 3ds Max मैंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसके फाइनल जो रेंडर, जो रेंडर पिक्चर आप देख रहे थे ना अभी डेस्कटॉप पर, ये चीज़ थी, इसके बाद इसको यानी कि वी रे सॉफ्टवेयर है, रेंडर सॉफ्टवेयर है, जिसको मैंने 3ds Max के साथ प्लगिंग करवाया और उसके बाद मैंने इसका यानी कि फाइनल रेंडर निकाला, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 3ds Max एक यानी कि काफ़ी वह है, तो वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन आप सीख जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा आपको, शॉर्ट वे भी और शॉर्ट कीज जो कीबोर्ड की इस्तेमाल करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, वो किस तरह, वो सब डिटेल में मैं बताऊंगा, जस्ट आप उसका ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन के तौर पे ही आप इसको जस्ट वॉच करें, ये आप देख सकते हैं। ये अब जो मैंने 2D का ये बेसिकली ये जितने भी मैंने आपको बताया ना 2D, ये आर्किटेक्चर ड्राइंग मैंने आपको बताई हुई है डिटेल में और दिखाई भी है, ठीक है, ये सब चीज़ यही थी, ये देख सकते हैं आप एलिवेशन इसका सेम एज इट इज यही है, ये सेम एज इट इज आप देख सकते हैं इसकी, ये कनोपी, ये कनोपी होती है, ठीक है, ये इसके टॉप पे कनोपी है, ये स्टाइल है,
ये ममटी की कनोपी है, ये कनोपी है, और इसके ना ये कार पोच की कनोपी है, ये आप देख सकते हैं, ये टेरेस है, ये विंडो के सामने जो मैं टेरेस की बात कर रहा था, जहाँ पर बंदा खड़े होके ना देख सकता है बाइक का सीन, देख सकता है, फ्रेश एयर ले सकता है फोन, और ये भी यहाँ पर भी है टेरेस। ये बेसिकली लॉन्ड्री, आप समझ लें फर्स्ट फ्लोर की लॉन्ड्री है, ये ग्राउंड फ्लोर की लॉन्ड्री है, जहाँ पर कपड़े आपके धोए जाएंगे और आप इजीली यहाँ पर लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप कॉलम देख सकते हैं, मैं इसको दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं 8 टायर ये विंडो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कॉलम इसके, ये जो कॉलम की मैं डिटेल आपको बता रहा था, मैं आपको दोबारा ऑटो कैड में लेके जाता हूँ। यहाँ पर कहाँ पर गया ये चीज़, ये प्री कॉर्ड RCC डिजाइन सेमी हॉलो कॉलम है, जो मैं दिखा रहा था 3DS मैप में, ये चीज़ जितने भी हैं कॉलम ये प्री कॉर्ड होते हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात है। ये आप देख सकते ये गेट आ गया, मेन गेट आ गया, ये आप रैंप का साइज देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ मेन गेट है, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये CNC ग्रिल्स हैं, CNC ग्रिल्स इस्तेमाल की गई है, यहाँ पर भी CNC ग्रिल्स इस्तेमाल की गई है, और ये फर्स्ट फ्लोर का गैलरी समझ लें आप, ठीक है, या आप उसको बालकोनी कहेंगे, अभी मैं आपको इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये सारे कॉम्प्लिकेटेड हैं। बालकोनी क्या होती है, गैलरी क्या होती है, कार पोच और गैराज क्या है, लॉन क्या है, पैसेज वे क्या है, गली क्या है, पैसेज वे और गली में क्या फ़र्क है, ठीक है, और ये सब, और यानी कि कॉरिडोर क्या होता है, ये सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप थोड़ा सा इसमें नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए इजी होगा समझना, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। डोर है, ये आप देख सकते हैं ममटी में एक रूम था, मैं दोबारा ऑटो कैड लेके जाता हूँ, यहाँ पर ये ममटी है, ममटी में ये आप देख सकते हैं फर्नीचर कटिंग प्लान देख सकते हैं, बात है, ठीक है, बात में आप डिटेल में देखेंगे कि कैसे इसके यानी कि शावर एरिया, बात एरिया कहाँ है और टॉयलेट एरिया कहाँ पर है, ठीक है, देख सकते हैं बेड का सेट, रूम की फर्नीचर सेट प्लान सारी देख सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का और इंट्रोडक्शन देने का मकसद जो था कि आपको अवेयरनेस हो जाए कि मेरे यूट्यूब चैनल में अब जो वीडियो अपलोड होंगी ट्यूटोरियल वाइज स्टेप बाय जिसमें सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप प्रोफेशनली तौर पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आपको कंप्लीट घर तैयार करना हो, इंटीरियर तैयार करना हो, एक्सटीरियर तैयार करना हो, ठीक है, एक और वीडियो भी होगी वो भी आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगी, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि इंटीरियर आप कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है, इंटीरियर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है लेकिन आप सीख जाएंगे प्रोफेशनल तौर पर, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, और इसके अलावा आप इसको अवेयरनेस के तौर पे शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, और मुझे यानी कि सपोर्ट मिलनी चाहिए आप लोगों की तरफ से, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, अपना ख्याल रखिएगा।